हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेन द सी ऑफ नॉलेज। ये मेरा TCN सेक्शन का 7th वीडियो है। आई होप आपने पिछला सारा वीडियो देखे हैं 1 to 6। ओके, सो 7 नंबर में मैं फिर से यहाँ पे एक ओवरव्यू देना चाहूँगा बिफोर गोइंग इन टू चार्जिंग आईसी। ओके, BQ24707। तो मैंने क्या बोला था कि ये अपने एडाप्टर लगाया यहाँ पे 20 वोल्ट, देखिए क्लियर क्लियर होना। मैं एक ही चीज़ बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि पूरा क्लियर हो जाए और कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जब हम करेंगे तो बहुत ही काम में आएगा ये। 20 वोल्ट इधर से यहाँ पे आया डायोड मोड में, ये क्लोज है 19.3। ठीक है, डायोड मोड का वीडियो देख लीजिए कैसे आता है। इधर से आके सोर्स में रुका हुआ है रिवर्स बायसिंग 19.3। ठीक है, तो हमको 19 बनाने के लिए ये रुका क्यों है? ये इधर से इधर नहीं जाएगा, स्विच नहीं होगा, रिवर्स बायस में ये रुका हुआ है। ठीक है, तो ये 19 इधर से आके घुस रहा है यहाँ पे, क्योंकि डिवाइडर यहाँ पे नहीं बन रहा है। अभी यहाँ पे डिवाइडर दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 200K का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर ग्राउंड आएगा तभी ना डिवाइडर बनेगा। यहाँ पे ये पी चैनल मॉस्फेट है, यहाँ पे 8.11 वोल्ट आता है डिवाइडर बनने से। तो डिवाइडर बनने के लिए सपोज यहाँ पे 19 नहीं मिल रहा है, ये गेट ऑन करना है। यहाँ से यहाँ पे आप जम्पर मार देंगे तब भी तो ये ज़बरदस्ती चल जाएगा ना, ये डिवाइडर बन जाएगा, यहाँ पे 8.14 मिल जाएगा और ये 19 आराम से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से बोल्ट चलने लगेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम होगा, वो है चार्जिंग का प्रॉब्लम। लैपटॉप में चार्ज नहीं होगा, बैटरी चार्ज नहीं होगा। ग्राउंड यहाँ से यहाँ पे लाने का काम है वो चार्जिंग आईसी करता है। चार्जिंग आईसी डिसाइड करता है कि ये सिग्नल यहाँ पे लाना है कि नहीं, डिवाइडर बनाना है कि नहीं। यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे आप कहीं से भी लाके 3 वोल्ट डाल दीजिए, जम्पर मार के 1 वोल्ट 2 वोल्ट कुछ भी डाल दीजिए, यहाँ पे ये चल जाएगा, ये ग्राउंड पर आ जाएगा। या फिर ग्राउंड यहाँ से डायरेक्ट जम्पर मार दीजिए, यहाँ पे डिवाइडर बन जाएगा, 8.14 मिल जाएगा, 19.3 हो जाएगा, बोर्ड ओके हो जाएगा, आप कस्टमर को रिटर्न कर देंगे। कस्टमर अगले दिन वापस आएगा, आके बोलेगा सर ये तो चार्ज नहीं हो रहा है, पहले तो चार्ज होता था। इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये ग्राउंड ऊपर आएगा कब? जब यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से मिल रहा है? ये देखिए 3 पॉइंट है, SEN, SE ऑफ, बैटरी टेम्परेचर। हमको सब देखना है। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 वोल्ट लाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ग्राउंड ऊपर उठा, वोल्टेज डिवाइडर बन गया, यहाँ पे 8.14 मिल गया, 19 स्विच हो गया, फाइन। मैंने यहाँ पे 3 वोल्ट दिया, डायरेक्ट ये इधर से जाएगा, जाएगा ये ऑन हो जाएगा, ग्राउंड ऊपर उठ जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा, यहाँ पे 8.14 मिल जाएगा, 19 स्विच हो जाएगा, वेरी नाइस। अभी देखते हैं एसी ऑफ आ गया तो क्या हुआ। एसी ऑफ में 3 वोल्ट आया तो ये ग्राउंड ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर सिर्फ पॉजिटिव से ऑन होता है। ग्राउंड ऊपर आया, यहाँ पे ग्राउंड हो गया, ये 3 वोल्ट यहाँ पे ही रुका है तो ये ग्राउंड ऊपर जाएगा, ये 0 वोल्ट यहाँ पे आएगा, ये ऑन नहीं होगा, डिवाइडर नहीं बनेगा, 19 स्विच नहीं होगा। यहाँ से 19 आके इधर से ये पहले से आया हुआ है तो ये स्विच नहीं होगा कभी भी, क्योंकि गेट में और सोर्स में सेम वोल्टेज है। ठीक है, अभी बैटरी टेम्परेचर को डाल के देखते हैं। हर एक कॉम्बिनेशन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 वोल्ट दिया इसमें,
तीन वोल्ट आया, ये डी मॉस एन चैनल मॉसफेट है, ये ग्राउंड ऊपर आया, तीन वोल्ट से ये ऑन हो गया, ग्राउंड ऊपर आया, यहाँ पे ज़ीरो है, ये तीन वोल्ट यहाँ पे रुका होगा, तो ये ग्राउंड ऊपर नहीं होगा, तो ये क्रोज है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी इस केस को स्टडी करते हैं। यहाँ पे मैंने तीन वोल्ट दिया, तीन वोल्ट आया, ये डी मॉस है, एन चैनल, ये इसका एरो जो है अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये एन चैनल है, मतलब यहाँ पे गेट में पॉजिटिव वोल्टेज से ये ऑन होगा, कुछ भी पॉजिटिव वोल्टेज, मतलब यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे एक दो तीन कुछ भी से ऑन हो जाएगा, यहाँ पे थ्री वोल्ट आया है तो ये ऑन हो जाएगा, ये ग्राउंड ऊपर उठ जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो वोल्ट आ जाएगा। और मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि ऐसे अगर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे आप तीन वोल्ट डालते हैं, करंट थोड़ा सा सिंक होता है, ये पुल डाउन बोलते हैं इसको, लेकिन थ्री वोल्ट यहाँ पे रुका रहता है, पूरा थ्री वोल्ट डाउन नहीं होगा। अगर यहाँ पे 10 के मैं लगाऊँ, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ 10 ओम लगाऊँ तो ये पूरा तीन वोल्ट अंदर घुस जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 के दिया है, मतलब थ्री वोल्ट यहाँ पे रुका रहेगा और ज़ीरो वोल्ट यहाँ पे आएगा, तो ये ग्राउंड ऊपर नहीं उठेगा, ये तीन वोल्ट पूरा इधर से पास हो जाएगा, ग्राउंड उठेगा, डिवाइडर बन जाएगा, 8.14 मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। तो दो केस में ये हो रहा है, बैटरी टेम्परेचर में 3 वोल्ट दिया और इसमें 3 वोल्ट है, इसमें 3 वोल्ट है तो भी 19 पास हो रहा है, और ये दोनों नहीं है तब भी 19 पास हो रहे हैं। एसी ऑफ का सिग्नल, ये कौन निकाल रहा है एसी ऑफ का सिग्नल, कौन निकाल रहा है बैटरी टेम्परेचर का सिग्नल? ये जो आईसी आप देख रहे हैं, चार्जिंग आईसी, ये काम कर रहा है। ये अभी हम पूरा देखेंगे एसी ऑफ, बैटरी टेम्परेचर, पूरा चार्जिंग आईसी हम देखेंगे, BQ24707। ये देखिए एसी ओके, एसी डिटेक्ट, तो हम चार्जिंग आईसी को समझते हैं। ये डीसी इन में है, ठीक है, ये एकदम फर्स्ट फंक्शन है, चार्जिंग आईसी डिटेक्ट करता है सब कुछ कि आगे 19 पास होगा कि नहीं होगा, आगे कुछ भी प्रॉब्लम है ये आईसी जो है चार्जिंग आईसी, ये रोक देगा 19 को, जाने ही नहीं देगा आगे। तो बिना इसको अच्छे से स्टडी किए आप 19 कभी भी बना नहीं सकते अच्छे से। मैंने मेरे चैनल में ऐसे भी वीडियो डाले हुए हैं जहाँ पे मैंने रिपेयर किया है 19 को और चार्जिंग नहीं हो रहा है। मैंने कस्टमर को पहले बोला था कि ये ठीक तो हो जाएगा लेकिन चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम है, आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा, उसमें ज़्यादा खर्चा है। तो उसने रिप्लाई दिया था कि सर मेरा बैटरी वैसे भी ख़राब है, चार्ज वैसे भी नहीं होता, ये बहुत पुराना लैपटॉप था, आप ऐसा ठीक करके दीजिए कि ये सिर्फ चालू हो, ये मैं डायरेक्ट लगा के प्लग लगा के चला लूँगा क्योंकि मेरे घर में इन्वर्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे वो चार्जिंग वाला ऑप्शन नहीं चाहिए। मैंने उसको दो ऑप्शन दिया था, तो मैंने क्या किया था, डायरेक्ट ऐसे जम्पर मार के ऐसे वोल्टेज डिवाइडर बनाया, डायरेक्ट 19 चलने लगा। ये भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे मॉसफेट ख़राब है तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे जम्पर मार दो, यहाँ से यहाँ पे जम्पर मार दो, चल जाएगा वोल्ट लेकिन चार्ज नहीं होगा। तो कभी ऐसा होता है कि 19 नहीं मिल रहा है बोर्ड में, आप पूरे बोर्ड में ढूंढते रहते हैं कि 19 का क्यों नहीं बन रहा है, वो सेक्शन। नहीं, मैं सिर्फ चार पॉइंट आपको ऐसे बोलने वाला हूँ जहाँ पे आपको चेक करके ही 19 का पता चल जाएगा कि कैसे 19 बनेगा, कहाँ पे प्रॉब्लम है। चार पॉइंट मैं ऐसे बोलूँगा। चार्जिंग आईसी को स्टडी करने से पहले आपको दो चीज़ सीखना है, एंड गेट, यहाँ पे एंड गेट, यहाँ पे नॉट गेट, गेट के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो गेट, गेट क्या है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, जोर गेट, ये सारे गेट, और गेट, दो सिग्नल्स आए, ये होता है इसका सिंबल, ए और बी आया, यहाँ पे ए प्लस बी हुआ, ये सिर्फ इसका काम है, प्लस करके भेज।
देखिए दो चीज़ होता है, सिग्नल दो तरह के हो सकता है, डिजिटल एंड एनालॉग। ठीक है, डिजिटल मतलब क्या है, दो ही डिजिट होगा, जीरो और वन, जीरो एंड वन। जीरो मतलब लो, वन मतलब हाई। अगर 3 वोल्ट है तब भी हम हाई मानेंगे, 5 वोल्ट है तब भी हम हाई मानेंगे, सिर्फ वन मानेंगे इसको। अगर गेट में 3 वोल्ट मैंने दिया तो आप समझेंगे कि वन हाई है, 3 वोल्ट मतलब हाई, 0 वोल्ट मतलब लो, हाई लो, हाई लो, 30 30 30 या फिर 50 50 50। 5 वोल्ट भी हो सकता है, 3 वोल्ट भी हो सकता है। मैं लो का रेंज बोल देता हूँ आपको, डिजिटल में लो का रेंज 0 to 0.8, हाई में 1 to 5 वोल्ट। ठीक है, 1 to 5 में जो भी वोल्टेज है इसको हम सिर्फ वन समझेंगे, हाई समझेंगे, वन मतलब हाई। और एनालॉग क्या होता है, एनालॉग में गिनती में अगर आता है जैसे कि 1 2 3 4, 100 200 300, कोई भी 200 वोल्टेज, दिस इज एनालॉग। एम्पियर भी है इसके साथ, 1 amp 2 amp 3 amp, गिनती में आ रहा है तो हम बोलेंगे इसको एनालॉग। डिजिटल में दो ही गिनती है, 0 1, और कुछ नहीं होता है। और गेट का हम ट्रुथ टेबल अगर देखते हैं, ए और बी अगर इनपुट है, आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, इन दोनों को प्लस करेंगे 0, इन दोनों को प्लस करेंगे 1, इन दोनों को प्लस करेंगे 1, इन दोनों को प्लस करेंगे फिर भी 1। 1 + 1 2 नहीं होगा इसमें, हाई प्लस हाई, 1 मतलब क्या, हाई, हाई प्लस हाई हाई, ये समझना है। और एक होता है नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट में क्या होता है, सिर्फ ये इन्वर्टर वो भी बोलते हैं इसको, इन्वर्टर गेट। इसका काम है A to A' या फिर A बार, कुछ भी बोलिए। यहाँ पे 0 आए तो इसको 1 बना देगा, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 0, सिर्फ उल्टा करना है। तो ठीक है, ये नॉट गेट का सर्किट कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। ऐसे यहाँ पे होगा और यहाँ पे एक लेग होगा, 3 या 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे ग्राउंड होगा। ठीक है, ये इसका डिज़ाइन। आप कभी बोर्ड में देखेंगे कि यदि 5 लेग का इसी, इधर 3 लेग होता है, इधर 2 लेग होता है, ऐसा इसी अगर आप देखते हैं, ये गेट है। इससे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा गेट है, एंड हो सकता है, नॉट हो सकता है, और हो सकता है, एक्सक्लूसिव और हो सकता है, मतलब जोर, या फिर नैंड हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और हो सकता है, एंड हो सकता है, नॉट हो सकता है, नॉर हो सकता है, नैंड हो सकता है, ठीक है, या फिर जोर हो सकता है, नॉर हो सकता है, एक्स नॉर मतलब एक्सक्लूसिव नॉर, ऐसे हो सकता है, 7 तरह की गेट हो सकते हैं। कौन सा है आपको पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए आपको डायग्राम देखना ज़रूरी है। डायग्राम में अगर आपने ऐसा डिज़ाइन देख लिया तो आपको समझ लेना है कि ये नॉट है, इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। जीरो डालेंगे, एक निकालेगा,
एक डालेंगे जीरो निकालेगा। घर में जो इन्वर्टर लगा होता है वही है। तो इन्वर्टर मतलब इन्वर्ट करना, मतलब क्या उल्टा कर देना। जो भी सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, लो आ रहा है तो हाई में कन्वर्ट कर दो, हाई आ रहा है तो लो में कन्वर्ट कर दो। करंट है तो वो इन्वर्टर ऑफ रहता है, जब भी करंट चला जाता है ऑटोमेटिक इन्वर्टर चालू हो जाता है। लेकिन लैपटॉप में हम क्या मानेंगे, यहाँ पे अगर ज़ीरो है तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे वन, वन मतलब यहाँ पे 3 वोल्ट है। यहाँ पे अगर 3 वोल्ट है, यहाँ पे है ज़ीरो, वो कन्वर्ट कर दे रहा है, वो वन को हाई पकड़ रहा है। तो हाई मतलब हमेशा 3 वोल्ट या पकड़ के चलेंगे, ठीक है 3 वोल्ट। मोबाइल में भी आपको देखने को मिलेगा, लॉजिक गेट में 3 वोल्ट डालते हैं मतलब हाई सिग्नल आ रहा है, ज़ीरो मतलब ज़ीरो। एंड गेट अगर हम ड्रॉ करते हैं, एंड गेट की आईसी, तो वो ऐसे दिखने में होगा, सीधा सटा डी जैसा। और इसमें से निकालेंगे, यहाँ पे एक वोल्टेज लगा के डाल देंगे, 3 या 5 कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक। ये होगा ग्राउंड और यहाँ से आउटपुट निकले। पांच टंग का आईसी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे ये 5 टंग का आईसी, 0 0 से 0 होता है, 0 1 1 0 1 1 दो ही स्टेट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 0 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 0 आया 0 आया दोनों में 0 0 आएगा, लो लो लो, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 1 मतलब 3 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट आया, यहाँ पे 0 आया। ये एंड गेट है, दोनों का इनटू करके यहाँ पे 0 रखेगा, 0 1 0 1 0 0 1 1 1। ये है हमारा एंड गेट है अभी A into B। अच्छे से समझ लीजिए, ये आगे जाके काम में आएगा आईसी समझने में। मैं आपको इसी का सर्किट दिखा देता हूँ। PCH का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्नल है PLT रिसेट 3521 में। ये देखिए, ये देखिए बोर्ड में, ये दिख रहा है आपको, ये सिग्नल आएगा, ये सिग्नल आएगा, दोनों आएगा तभी GPU_RST हैश सिग्नल आएगा। PCH से भी ये 3 वोल्ट आएगा इधर, ठीक है, इधर से भी 3 वोल्ट आएगा, समझे, तभी यहाँ पे भी आपको 3 वोल्ट मिलेगा। अगर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि पीछे जाएंगे हम, इस सिग्नल को उठा के सर्च करेंगे यहाँ पे और चेक करेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, कहीं पे ग्राउंड हो रहा है, वो प्रॉब्लम ढूंढेंगे। दोनों आना चाहिए, अगर कोई भी 0 हुआ तो यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा। तो ये हैश है मतलब सिग्नल है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सिग्नल में तो कोई वोल्टेज नहीं होता है, लेकिन मैंने इसके पहले वीडियो में दिखाया था, पुल अप खींचा होता है कोई भी सिग्नल में। इसी सिग्नल को मैं सर्च करके जाऊं पीछे तो आप देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस देके 10K का यहाँ पे पुल अप खींचा गया है, 3 वोल्ट यहाँ पे डाला गया है, इसीलिए यहाँ पे 3 वोल्ट आएगा। देखिए, कोई भी सिग्नल में डाटा होता है या फिर क्लॉक होता है, ये ट्रेवल नहीं कर सकता अगर आप इसमें वोल्टेज नहीं देंगे। तो यहाँ पे 3 वोल्ट मिलेगा तभी यहाँ पे 3 वोल्ट मिलेगा। तो मैंने अभी यहाँ पे बोल दिया आपको कि 0 1 में सोचता है ये एंड गेट, 0 1 में आउटपुट देगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, यहाँ पे पुल अप 3 वोल्ट का खींचा गया है तो यहाँ पे 3 वोल्ट ही मिलना चाहिए। अगर इसमें से थोड़ा सा भी कम है तो कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको देखना है कि 3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है
तो 3 वोल्ट ही मिलना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एंड गेट का कॉन्सेप्ट। और एक बहुत इम्पोर्टेंट गेट है जो हमको सीखना है, वो है नैंड गेट, क्योंकि ये गेट आपको मिलने वाला है। नैंड, नैंड गेट वो कुछ नहीं है, वो एंड के आगे आप इन्वर्टर लगा देंगे। यह है एंड गेट, इसके आगे आपने नॉट लगा दिया तो ये हो गया हमारा नैंड। मतलब क्या आएगा, ए बी, यहाँ पर आएगा ए डॉट बी, डॉट मतलब इनटू, और यहाँ पे आएगा ए डॉट बी इसका उल्टा मतलब बार, ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। ए बी क्या आएगा, ए इंटू बी, 0 0 0 1। ए बी का उल्टा क्या आएगा, ए बी बार क्या आएगा, 1 1 1 0। यहाँ पे 0 डालेंगे आप, यहाँ पे भी 0 डालेंगे, यहाँ पे 0 आएगा लेकिन इसका उल्टा यहाँ पे आएगा, हाई मिलेगा यहाँ पे 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट मिलेगा। ये तो इसका मेन डायग्राम है, और इसका सिंबल आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे करके तभी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो यहाँ पे डॉट है ये यहाँ पे आएगा, सिंपल। ये हो गया हमारा नैंड गेट, इसका शॉर्ट वर्शन, ठीक है। यह पूरा सर्किट और इसका सिंबल है ये नैंड गेट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मतलब क्या है, 3 वोल्ट, 1 मतलब 3 वोल्ट, समझ में आ गया। अगर यहाँ पे आपको 3 वोल्ट मिलता है, यहाँ पे 0 मिलता है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 0 × 3 आपको मालूम है ये 0 है। यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 का इन्वर्टेड वैल्यू मतलब उल्टा वैल्यू, यहाँ पे 3 मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा, 1 हाई, मतलब हाई मतलब ही 3 वोल्ट है। कभी कभी आपको डिज़ाइन ऐसा मिल सकता है, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है, 3 वोल्ट मतलब हाई मतलब 1 समझ लीजिए, यहाँ पे 0 आ रहा है, 3 वोल्ट को यहाँ पे ये 0 कर देगा, यहाँ पे आते आते ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। मतलब क्या है कि ये यहाँ पे आगे एक इन्वर्टर लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है, फिर इसको ऐसे भेजा गया है, सेम टू सेम, यहाँ पे 3 वोल्ट आया, यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 है, 0 × 0 पूरा 0 ही निकलेगा यहाँ, समझ गए। कभी कभी ऐसा भी आपको सर्किट मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 0 डाला मैंने और यहाँ पे 3 डाला तो क्या हो, सेकंड केस मैं मिटा देता हूँ सबको। यहाँ पे मैंने अगर 0 डाला और यहाँ पे 3 डाला तब क्या होगा, अभी 0 यहाँ पे 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 आ रहा है, 3 3 मिलके 3 आएगा हाई, मतलब 3 मतलब 1, ठीक है। यहाँ पे जितने सारे 1 मतलब हाई है, हाई मतलब ही है 3 वोल्ट, 0 मतलब 0 वोल्ट। ये कन्फ्यूजन, 3 को हम 1 मान के चल रहे हैं, ये सिर्फ जब गेट पढ़ेंगे तभी, बाकी समय 3 वोल्ट 3 वोल्ट ही होगा। और एक इनपुट देख कर आपको समझाता हूँ कि कैसे हो सकता है ये। सपोज ये यहाँ पे है नॉट गेट, इन दैट केस आप क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे आया 0 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट, ये गेट क्या निकालेगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा 3 3 3 आएगा, ये 3 3 आएगा,
यहाँ पे तीनों तीन मिलके ए बी सी इंटू होगा थ्री आएगा, फाइन। अभी मान के चलिए मैं इसको थोड़ा उल्टा कर दें, सपोज ये थ्री है बाकी ज़ीरो है, अभी क्या होगा, ये थ्री आया यहाँ पे उल्टा हो गया, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो ज़ीरो है ऑलरेडी, ये ज़ीरो ज़ीरो है, तीनों ज़ीरो मिलके यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो वोल्ट, ठीक है। तो किसी भी डिज़ाइन का हो सकता है, आपको कोई टेंशन नहीं करना, ठीक है। तो इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैं काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे और एक नॉट गेट लगा, अभी क्या करेंगे आप, यहाँ पे थ्री आया, यहाँ पे ज़ीरो आया, यहाँ पे ज़ीरो आया, क्या करेंगे, ये क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो है, ज़ीरो है, तीनों मिलके ज़ीरो आएगा, ज़ीरो यहाँ पे इन्वर्ट होके वन आएगा, मतलब थ्री वोल्ट आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर ज़ीरो है, यहाँ पे थ्री है, थ्री है, तब क्या आएगा, ज़ीरो यहाँ पे थ्री हो जाएगा, थ्री नॉर्मली आ रहा है, यहाँ पे थ्री आ रहा है, तीनों तीन मिलके यहाँ पे तीन आएंगे, और इन्वर्शन के वजह से यहाँ पे फिर से ज़ीरो हो जाएंगे। ओके, वेरी सिंपल। ये समझने के लिए आप ऐसे ऐसे करके लंबा करके भी डायग्राम ड्रॉ करके कर सकते हैं, तो आसानी होगा। किसी भी तरह से हो आपको समझना है बस कि कैसे वो आईसी के अंदर फिट है और कैसे क्या कर रहा है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा गेट का, तो वो क्या करता है, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्ट करता है, डिजिटल कन्वर्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी डिजिटल सिग्नल, यहाँ पे भी डिजिटल सिग्नल आएगा, हाई लो में, ठीक है। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे, अभी जो हम पढ़ेंगे इसमें, वो है एनालॉग टू डिजिटल। अभी तो हुआ डिजिटल टू डिजिटल, ठीक है, डिजिटल टू डिजिटल, लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो है एनालॉग टू डिजिटल। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिना इसको जाने आप आईसी के अंदर नहीं घुस सकते, आपका दिमाग आईसी को नहीं पढ़ सकता। डिजिटल, इसका नाम है कंपैरेटर, ठीक है, कंपैरेटर, इसका नाम सुन के ही पता लग रहा है कि ये कंपेयर करके बेचता है। इसका सिंबल है ये, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कंपैरेटर लगा हुआ है, ये देखिए कंपैरेटर, ये कंपैरेटर, ये भी है कंपैरेटर, ये सारे कंपैरेटर, ठीक है। एक ट्रायंगल लिख दीजिए, एक में पॉजिटिव, एक में निगेटिव, तो ये बहुत ही सेंसिटिव है, ये करंट को भी कंपेयर कर सकता है, वोल्टेज को भी कंपेयर कर सकता है, बहुत ही काम का चीज़ है ये, और बहुत ही बारीकी से वो ये मेजरमेंट करता है, ठीक है। बारीक का मतलब है मिली में भी है, बहुत छोटा है, मिली मिली में भी अगर यहाँ पे करंट है, थोड़ा सा भी डिफरेंस है, वो बोल देगा आपको कि ये डिफरेंस है, इतना सेंसिटिव है ये। यहाँ पे एनालॉग सिग्नल हम देंगे पॉजिटिव नेगेटिव में, और यहाँ पे डिजिटल में आउटपुट मिलेगा ज़ीरो या वन, लो या हाई। सपोज अपने यहाँ पे 20 वोल्ट डालो, यहाँ पे अपने डाला 19.99, बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, ये पॉजिटिव में आया है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, मतलब कि यहाँ पे वन आएगा। तो वैसे ही अगर उल्टा करते हैं, यहाँ पे 19.99, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा। और करंट को भी कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे सपोज 1 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 1.1, ठीक है, 1.1 एम्पियर, तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ये सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि ये जो कंपैरेटर है, दो एनालॉग सिग्नल को कंपेयर करके डिजिटल में कन्वर्ट करता है, बहुत इजी। तो डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्शन आपको समझ में आया।
एनालॉग टू डिजिटल समझ में आया। तो अभी हम आईसी के अंदर जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है ये, यहाँ पे है वीसीसी। वीसीसी मतलब क्या है, मैंने उस दिन बोला था अगर मॉस्फेट के थ्रू बन के आते हैं तो उसको वीडीडी बोलते हैं, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। कोई सप्लाई वोल्टेज अगर बीजेट के थ्रू मतलब ट्रांजिस्टर के थ्रू, एनपी 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 ऐसे ट्रांजिस्टर के थ्रू बन के आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर, वीसीसी। तो यहाँ पे वीसीसी वोल्टेज क्या है, मतलब वीसीसी हो या वीडीडी हो कहीं से भी आ रहे हो, हमको सिर्फ देखना है कि सप्लाई वोल्टेज कितना है। सपोज़ यहाँ पे डीसी इन है, हमने एडाप्टर लगाया है, एडाप्टर का वोल्टेज कितना है मान के चलते हैं 20 वोल्ट। देखिए आईसी की हम आईसी में हम घुस रहे हैं, 20 वोल्ट लेके घुस रहे हैं, ठीक है। ये आया 20 वोल्ट, कहाँ पे दिया देके रखा है, नेगेटिव, ये कंपैरेटर है, इस पॉइंट में क्या दिया है 3.75, ये रेफरेंस वोल्टेज है, ये इस आईसी का रेफरेंस वोल्टेज है इस पिन में, ठीक है। ये रेफरेंस वोल्टेज क्या आता है, अगर ये 3.75 वोल्ट से नीचे हुआ, ये देखिए यहाँ पे मैं ज़ीरो देता हूँ, ज़ीरो वोल्ट, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ये इधर से जाएगा यूवी एलो मोड में चला जाएगा, ठीक है, अंडर वोल्टेज लॉकआउट, अंडर वोल्टेज में चला जाएगा, मतलब ये नॉन ऑपरेशनेबल है, बोर्ड चालू नहीं हो सकता। तो ये जो 3.75 वोल्ट रेफरेंस के लिए दिया गया है, ये देखिए इतना कम है कि इसको मैं कोई 5 वोल्ट वाला एप्लीकेशन में भी लगा सकता हूँ इस आईसी को। इसमें BQ24707 ऐसा भी होता है, BQ24717 और एक होता है BQ24727, ये सारे सेम है, ठीक है, 717 727, ये सारे सेम टू सेम है आईसी। तो यहाँ पे टैबलेट आप देखते हैं, टैबलेट टैबलेट में भी ये आईसी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें रेफरेंस वोल्टेज है 3.75, जहाँ पे भी 5 वोल्ट या 12 वोल्ट 19 वोल्ट 15 वोल्ट इस सेक्शन में हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया कि अगर 3.75 से नीचे हो गया ये 20 वोल्ट 0, 1, 2 या 3 वोल्ट हो गया ये, ठीक है, ये अंडर वोल्टेज लॉकआउट मोड में चला जाएगा। ऐसे होता है ना कि अगर आपका उम्र 18 नहीं हुआ है तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं, वही कंडीशन है यहाँ पे। तो हमको अंडर वोल्टेज नहीं चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा चाहिए हमको, 3.75 से ज़्यादा चाहिए। हमारी लैपटॉप में यूजुअली कितना होता है, डीसी इन में 20 वोल्ट होता है, 19 पॉइंट समथिंग होता है। तो 20 वोल्ट इधर से डाला तो ये नेगेटिव पिन में आया। अभी मैंने कंपैरेटर का कंपैरेटर के बारे में बोला कि नेगेटिव वाला बड़ा होगा तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया है, नॉट गेट। नॉट गेट इसीलिए दिया है, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 20 वोल्ट आया कंपैरेटर से नेगेटिव में दिया है, यहाँ पे 0 आया है, ये फिर से 1 हो गया यहाँ पे। ये जो एसी डिटेक्ट दिख रहा है आपको, एसी डिटेक्ट पिन, ये कहाँ से आएगा ये भी देख लेते हैं हम। डीसी इन जहाँ से होता है वहाँ पे ही एक वोल्टेज डिवाइडर बना के यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर बना के एसी डिटेक्ट में घुसा देते हैं। तो ये हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा हमेशा, मतलब मैं कोई भी बोर्ड में आपको दिखा सकता हूँ। देखिए इसमें देखिए आप एसी डिटेक्ट एसी इन वो सब सेम है। इस आईसी का नाम है BQ24747, ठीक है, तो इसमें एसी डिटेक्ट नहीं है, एसी इन है, सेम है, एसी डिटेक्ट और एसी इन सेम है। आईसी अलग होगा तो नाम भी अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फंक्शन सेम होगा। ये देखिए यहाँ पे डीसी इन, देखिए
डीसी इन कहाँ से आया है? वी इन से, 19 वोल्ट एक रेजिस्टर के थ्रू यहाँ पे घुसा दिया है, ठीक है। ये देखिए वही वी इन, यही वी इन, सेम टू सेम वोल्टेज है 19 वोल्ट। दो रेजिस्टर के थ्रू वोल्टेज डिवाइडर बना के कितना वोल्टेज, 232 और 49.9 के का, और यहाँ पे ग्राउंड आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 20 वोल्ट है, इसका कैलकुलेशन करिए, वी आउट इक्वल टू 20 आ रहा है, तो इसके पास वाला रजिस्टर होगा R1, ये होगा R2, ठीक है, ये R2, ये R1। तो R1 क्या है, 233K में VCC इंटू R2, सॉरी 20 इंटू 49.9K, हम 50 मान के चल सकते हैं इसको, लेकिन मैं 49.9 लिख, मैं 50 मान लेता हूँ इसको, 49.9 इसको मैं 50 मान लेता हूँ आसानी के लिए, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ओके। नीचे क्या होगा, R1 प्लस R2, R1 क्या है, 233 प्लस 50, यहाँ पे 283, 1000 बाई 283, 1000 बाई 283, एंटर, 3.53 वोल्ट, 3.53 यहाँ पे आपको मिलेगा, कहाँ पे, एसी इन पे 3.53 मिलेगा, समझ गए आप। यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज क्या दिया है, 0.6 वोल्ट, 0.6 वोल्ट के नीचे होगा तो यहाँ से ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे 3.53 एसी डिटेक्ट हमने देखा कि अभी 3.53 आ रहा है, से हालांकि ये आईसी और वो आईसी सेम नहीं है, ये 24707 है और ये 24 कहाँ है, इसका नाम है 24747, ठीक है, तो सेम नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं 3.53 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज 0.6 है, 0.6 के नीचे आएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे ज़ीरो, ज़ीरो आएगा तो एनाबल रीजियन ये ज़ीरो आएगा पूरा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तो वो आना है, आपने देखा नॉट गेट की वजह से, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 3.53 पूरा पॉजिटिव आया, प्लस यहाँ पे 3.53 इधर से आया तो ये वन आएगा इधर में, ये भी वन हुआ, दोनों सिग्नल वन हुआ, तो ये एनाबल रीजन जो है वो भी वन हुआ। ये तो मैंने सिर्फ दो पिन के बारे में बोला, 6 नंबर पिन और 20 नंबर पिन, ठीक है, और बहुत सारा पिन है इसमें, एक आईसी में सबको समझना होता है, बिना समझे आप काम नहीं कर सकते, रिपेयर करना इतना आसान नहीं है, अगर ये इतना आसान होता तो कोई भी कर लेता ये। यहाँ पे 2.5 वोल्ट से 3 वोल्ट तक ही होता है, अब देख लीजिएगा कोई भी चार्जिंग आईसी में, देखिए एसी डिटेक्ट या फिर एसी इन में 2 वोल्टेज डिवाइडर दिया होगा, आप 3521 में मैंने दिखाया, आप सोनी भाई में डीसी इन देख, चार्जिंग आईसी, ये देखिए एसी इन, ये देखिए डीसी इन, ये देखिए डीसी इन, ये देखिए डीसी इन से वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू एसी इन में लिया गया है। हमेशा कोई भी बोर्ड आप देखिए, डीसी इन होगा, डीसी इन से वोल्टेज डिवाइडर बना के इसमें एसी डिटेक्ट या फिर एसी इन दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी कंप्लीट करता हूँ।